इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे फैनकोट ECS टिटन जिब्राल्टर के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 1 और दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 2 के बारे में। दोस्तों आज का जो मैच नंबर 1 है वो दोस्तों RGC और दोस्तों PIR के बीच खेला जाएगा और सेम टीम का दोस्तों मैच नंबर 2 में भी खेला जाएगा। बस दोस्तों यहाँ पे आपको टाइम का ध्यान रखना है। मैच नंबर 1 दोस्तों रात के 12 बजे से स्टार्ट होगा और मैच नंबर 2 दोस्तों रात के 2 बजे से स्टार्ट होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस मैच से रिलेटेड स्मॉली का फाइनल टीम प्रोवाइड कर रहा हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आपको इस वीडियो में सभी प्लेयर का स्टैट्स जानने को मिलेगा और यदि दोस्तों आप इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो स्टैट्स पे दोस्तों बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे प्लेयर दोस्तों आपको इस टूर्नामेंट में मिलेंगे जो दोस्तों लास्ट के 5 से 6 मैच से खेल नहीं रहे हैं, बट यदि वो खेलते हैं आपके लिए दोस्तों गेम चेंजर और मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है। तो यदि आप दोस्तों इस मैच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्लेयर स्टैट्स समझिएगा जरूर और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। बाई चांस यदि कोई क्वेश्चन हो, ऐसे होना तो नहीं चाहिए बट हो तो आप नीचे दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकते हो, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली करूंगा। बस दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी मैं अभी आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कर रहा हूं इस दोनों मैच से रिलेटेड टास्क के बाद दोस्तों यदि उस कॉम्बिनेशन में कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो दोस्तों मैं आपको फाइनल टीम फिर से अपडेट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजिएगा जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। अब बात करें दोस्तों हम लोग RGC और दोस्तों PIR के मैच में कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस मैच का कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। विकेट कीपिंग सेक्शन में आइएगा तो दोस्तों आपको डी बार्ली का ऑप्शन मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको दोस्तों एक सिंगल कॉम्बिनेशन से भी ड्रॉप नहीं करना है। रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, अभी तक 11 मैच खेले इस टूर्नामेंट में जिसमें आपको बैटिंग से 150 रन स्कोर किए और 11 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से भी 7 विकेट प्रोवाइड किए और सभी मैच में दोस्तों आपको मेनली सेकंड राउंड बैटिंग करने आते हैं। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ई पटेल का ऑप्शन मिलेगा, एक बहुत ही अच्छा दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, बैटिंग से भी दोस्तों आपको सभी मैच में 10 से 15 रन देता है और बॉलिंग से तो परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहा है। अभी तक इस टूर्नामेंट में 10 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 102 रन स्कोर कर चुके हैं और वहीं दोस्तों 10 मैच में आपको बॉलिंग से 8 विकेट प्रोवाइड किए। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एल बर्न्स का ऑप्शन मिलेगा, एल बर्न्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है दोस्तों, परफॉर्मेंस देखोगे तो इनका टूर्नामेंट में एवरेज ही रहा है लेकिन खिलाड़ी बहुत ही टॉप क्लास है, आई होप दोस्तों आज के मैच में आपको बेटर करते हुए दिख जाए। और ऐसे भी देखो तो सिलेक्शन परसेंटेज हाई है तो स्मॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपको ड्रॉप करना हो रिक्स लेना हो तो आप ग्रेन लीग में 100% ले सकते हो। अभी तक परफॉर्मेंस देखे तो 11 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 124 रन स्कोर किए और 11 मैच में दोस्तों आपको 5 विकेट प्रोवाइड किए। प्लस पॉइंट देखोगे तो देखो विकेट कम मिला है लेकिन आपको सभी मैच में 2 ओवर डेफिनेटली बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एच पायल का ऑप्शन मिलेगा, उतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं, आप ड्रॉप करके चल सकते हो क्योंकि इन्होंने दोस्तों इस टूर्नामेंट में मैच तो काफी खेला है, अभी तक 23 मैच खेल चुके हैं लेकिन बैटिंग से सिर्फ और सिर्फ 125 रन स्कोर किए। इससे बेहतर दोस्तों आप नीचे से जे वेस्ट को ट्राई कर सकते हो क्योंकि देखो दोस्तों जे वेस्ट तो है ना एक तगड़ा हार्ड हिटर बैट्समैन है और एच पायल से परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है, इन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक 12 ही मैच खेला है लेकिन आपको बैटिंग से 168 रन स्कोर कर चुके हैं। तो यहां पे दोस्तों आप ये 2 प्लेयर को ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हो, मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेंगे वो दोस्तों रहेंगे जे वेस्ट, ठीक ना। चलिए अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन से, तो बैटिंग सेक्शन में अडवाणी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, आपको एक सिंगल कॉम्बिनेशन से भी इस बंदे को ड्रॉप नहीं करना है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और आपको दोस्तों 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी करते हैं। परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो अभी तक इस टूर्नामेंट में 23 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से अभी तक 257 रन स्कोर कर चुके और 23 मैच में आपको बॉलिंग से भी 9 विकेट प्रोवाइड किए। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको आर ग्रिम्स का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट 5 से 6 मैच दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस रहा है ना बॉलिंग बैटिंग दोनों से काफी अच्छा रहा है क्योंकि स्टार्टिंग के मैच में दोस्तों ये बैटिंग भी बहुत ही नीचे करने आ रहे थे, बहुत मैच में बैटिंग भी नहीं कर रहे थे और बॉलिंग तो दोस्तों कर भी नहीं रहे थे लेकिन लास्ट से 4 मैच में दोस्तों आपको सभी मैच में 1 से 2 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं और थर्ड राउंड दोस्तों बैटिंग भी करने आ रहे हैं। परफॉर्मेंस देखें तो अभी तक 14 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 112 रन स्कोर किए और वहीं दोस्तों 14 मैच में आपको अभी तक 7 विकेट ले चुके और ये जो 7 विकेट है दोस्तों इन्होंने लास्ट 6 मैच में लिया है। फिर दोस्तों आप नीचे आएगा तो नीचे दोस्तों आपको एन जोशी का ऑप्शन मिलेगा, एन जोशी एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है लेकिन सिलेक्शन परसेंटेज कम होने की वजह
बहुत सिंपल है दोस्तों, लास्ट 2 से 3 मैच से खेल नहीं रहे, डेट्स वाई जनता ट्राई नहीं करी, बट खेलते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे। आप इन्हें दोस्तों क्या कर सकते हो, आर ग्रीम्स के साथ रोटेट भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो अभी तक इस टूर्नामेंट में 12 मैच खेले जिसमें आपको दोस्तों 8 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं। नीचे आएगा दोस्तों एक आने का ऑप्शन मिलेगा, ड्रॉप करके दोस्तों आप चल सकते हो। परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहा है अभी तक 14 मैच खेले इस टूर्नामेंट में, बैटिंग तो दोस्तों करते नहीं है, और वहीं दोस्तों बॉलिंग से भी 14 मैच में सिर्फ और सिर्फ 5 विकेट लिए, और बहुत ऐसा मैच रहता है जिसमें दोस्तों ये बॉलिंग नहीं करते हैं, इसलिए मैं राइट नाउ इन्हें ड्रॉप कर रहा हूं। आपको दोस्तों रिक्सी लेना हो तो नीचे से डी रोबिनसन के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये बैट्समैन दोस्तों आपको सभी मैच में टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आएंगे और आपको दोस्तों 10 से 20 रन बैटिंग से स्कोर करके दे सकते हैं। परफॉर्मेंस देखें तो अभी तक इस टूर्नामेंट में 14 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 147 रन स्कोर किए हैं। मैं दोस्तों यहां पे आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक क्या है दोस्तों, यदि आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो जहां पे दोस्तों आपको 2 बैट्समैन के साथ जा सकते हो, तो आप दोस्तों अडानी और दोस्तों आर ग्रीम्स को रख लेना टीम में। यदि दोस्तों आप ऐसे कोई प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो जहां पे दोस्तों 3 बैट्समैन रखना कंपलसरी होता है, तो दोस्तों एन जोशी खेले तो एन जोशी को रख लीजिएगा, नहीं तो नीचे से दोस्तों आप डी रोबिनसन को रख लीजिएगा, ठीक ना। अब बात करें दोस्तों हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन से, तो ऑलराउंडर सेक्शन में आएगा दोस्तों आपको आई लैटिन का ऑप्शन मिलेगा। लैटिन दोस्तों एक बहुत ही अच्छे बैट्समैन है, और इतने अच्छे दोस्तों बैट्समैन है कि इस टूर्नामेंट के दोस्तों सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर बैट्समैन है, तो ड्रॉप दोस्तों बिल्कुल भी नहीं करना है, और आप इन्हें कैप्टन बीसी भी कर सकते हो। रिकॉर्ड देखिए तो अभी तक 26 मैच खेले इस टूर्नामेंट में जिसमें आपको बैटिंग से 839 रन स्कोर कर चुके हैं, और 26 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से भी 8 विकेट प्रोवाइड किए। बॉलिंग दोस्तों थोड़ा सा कम करते हैं, लेकिन बैटिंग से दोस्तों आप इनसे उम्मीद रख सकते हो। नीचे आएगा दोस्तों केन नेक्टन सभी मैच में ओपन बैटिंग करने आएंगे, और इनका भी दोस्तों बैटिंग से रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। अभी तक इस टूर्नामेंट में टोटल 23 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 592 रन स्कोर कर चुके हैं। बॉलिंग से दोस्तों बात करें तो 23 मैच में आपको 10 विकेट प्रोवाइड भी किए। मेनली दोस्तों आपको केन नेक्टन पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं और ओपन बैटिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों स्मॉलिंग में ड्रॉप भी नहीं करना है, और दोस्तों आप आई लैटिन के साथ इन्हें वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। नीचे आएगा दोस्तों ए रिज का ऑप्शन मिलेगा, अच्छे दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, बैटिंग से उम्मीद थोड़ा सा कम रखिएगा, लेकिन हाँ बॉलिंग से दोस्तों आपको सभी मैच में एटलीस्ट 1 विकेट प्रोवाइड कर देते हैं। परफॉर्मेंस देखें तो अभी तक 19 मैच खेले टूर्नामेंट में जिसमें आपको बैटिंग से 190 रन स्कोर किए, और 19 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से 14 विकेट ले चुके हैं। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एक डाटो का ऑप्शन मिलेगा, सभी मैच में आपको 1 से 2 ओवर बॉलिंग करेंगे और सेकेंड राउंड बैटिंग करने आते हैं। परफॉर्मेंस देखें तो इस टूर्नामेंट में अभी तक 11 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 164 रन स्कोर किए, और वहीं दोस्तों 11 मैच में आपको 5 विकेट प्रोवाइड भी किए। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एम वार्नर का ऑप्शन मिलेगा। वार्नर दोस्तों एक अच्छे बॉलर है, लेकिन लास्ट 2-3 मैच से खेल नहीं रहे, डेट्स वाई दोस्तों जनता इन्हें टीम में नहीं रख रही है, बट अभी तक टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस कैसा रहा है तो 8 मैच खेले जिसमें आपको 4 विकेट प्रोवाइड भी किए, और 8 मैच में दोस्तों इन्होंने 9 ओवर बॉलिंग भी किया है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको आरपी टायर का ऑप्शन मिलेगा। परफॉर्मेंस देखिए इस टूर्नामेंट में तो अभी तक 3 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 48 रन स्कोर किए, और 3 मैच में दोस्तों आपको 3 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट प्रोवाइड किए। डेट मीन्स परफॉर्मेंस देखो तो दोस्तों ठीक ठाक रहा है, ऐसा नहीं कि आउटस्टैंडिंग रहा है। यदि खेलता है ये बंदा तो दोस्तों आप क्या कर सकते हो, जो मैंने ऊपर में आपको डाटो का ऑप्शन बताया, आप इनके जगह दोस्तों इन्हें रोटेट कर सकते हो। और यदि दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन से नीचे से ए ताहिर खेल जाता है तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप रख सकते हो खेले तो, क्योंकि दोस्तों इस टूर्नामेंट में अभी तक एक सिंगल मैच भी नहीं खेले। नहीं खेलेंगे तो फिर तो सोचना ही नहीं है, बट खेलेंगे तो मैं आपको इनका स्टैट्स बता देता हूं। अभी तक 15 मैच खेले T10 में जिसमें आपको बैटिंग से 115 रन स्कोर किए, और 15 मैच में दोस्तों आपको बॉलिंग से भी 7 विकेट प्रोवाइड किए और 22 ओवर कंप्लीट बॉलिंग किए। दैट मींस रिकॉर्ड दोस्तों अच्छा है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करें दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन से, तो बॉलिंग सेक्शन में आएगा सिप्सन, मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, सभी कंबिनेशन में ये बंदा आपका होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस टूर्नामेंट के सेकेंड सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर है। अभी तक दोस्तों इन्होंने जितना भी मैच खेला है दोस्तों 90% मैच में आपको विकेट दिया है। आप देखो तो 23 मैच अभी तक खेले जिसमें आपको 22 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं, और सभी मैच में दोस्तों आप इनसे 2 ओवर का उम्मीद 100% रख सकते हो। नीचे आएगा दोस्तों तो आपको आर कनिंगम, PIR के दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्पिन बॉलर है, और रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है इस टूर्नामेंट में। अभी तक 26 मैच खेले जिसमें आपको 219 विकेट प्रोवाइड कर चुके हैं। स्मॉल लीग में दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, यदि आप दोस्तों ग्रैंड लीग में रोटेट करना चाहते हो कर सकते हो, बस ध्यान रखिएगा PIR की टीम दोस्तों फर्स्ट बॉलिंग करती है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड बॉलिंग करे तो आप ग्रैंड लीग में 1-2 कॉम्बिनेशन में ड्रॉप भी कर सकते हो। दोस्तों आप नीचे आएगा बॉलिंग सेक्शन में तो दोस्तों आपको टी रमेश और दोस्तों जे मैथ्यू, ये दोनों प्लेयर को दोस्तों आज के मैच में आपको रोटेट करना पड़ेगा। अब ध्यान से दोस्तों समझिएगा, देखिए यदि आप दोस्तों किसी ऑलराउंडर को रखना चाहते हो जो आपको बैटिंग से भी 10 रन स्कोर कर दे और 2 ओवर बॉलिंग कर दे, तो जे मैथ्यू ऐसे में बेस्ट पिक है। लेकिन यदि आप किसी विकेट टेकर बॉलर को रखना चाहते हो जो आपको बॉलिंग से पॉइंट दे, ऐसे में दोस्तों टी रामपेज बेस्ट है। दोनों का परफॉर्मेंस देखिएगा आपको ये
चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी तक दोस्तों टी रामबेज ने 26 मैच खेला है जिसमें आपको 17 विकेट प्रोवाइड किए। वहीं दोस्तों जे मैथ्यू ने इस टूर्नामेंट में अभी तक टोटल 21 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 44 रन स्कोर किए और 21 मैच में आपको बॉलिंग से 11 विकेट प्रोवाइड किए हैं। तो ये चीज़ का दोस्तों आप ध्यान में रख के आप रोटेट कर सकते हो। राइट नाउ दोस्तों मैं टी रामबेज के साथ जा रहा हूँ और स्पेशली मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा तब जब दोस्तों आरसीसी की टीम बॉलिंग फर्स्ट करे, ठीक ना। नीचे आएगा एम रोशन, प्लेयर अच्छे है लेकिन परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा है, इसलिए आप ग्रे लीग में रोटेट कर सकते हो। परफॉर्मेंस देखे तो 12 मैच खेले टूर्नामेंट में जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 4 विकेट प्रोवाइड किए हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बॉलिंग सेक्शन से कुछ ऐसे भी प्लेयर का ऑप्शन देख लेते हैं जो दोस्तों आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं यदि खेल जाते हो, क्योंकि तीनों प्लेयर का जो सिलेक्शन है दोस्तों बहुत ही कम है। फर्स्ट है दोस्तों एस बोथा, सेकेंड दोस्तों आर हैचमैन और थर्ड दोस्तों एनवर्थ। ये तीनों दोस्तों बहुत अच्छे बॉलर है और साथ ही साथ दोस्तों एस बोथा तो आपको बैटिंग से भी स्कोर कर लेते हैं। परफॉर्मेंस देखे तो उसके बाद हम लोग समझेंगे। एस बोथा दोस्तों इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले जिसमें आपको बैटिंग से 84 रन स्कोर कर चुके हैं बॉलर होके, और 7 मैच में दोस्तों आपको 7 ओवर बॉलिंग भी की है, विकेट नहीं मिला है लेकिन आपको दोस्तों सभी मैच में 1 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं और आपको दोस्तों थर्ड राउंड बैटिंग करने आ जाएंगे। बात करें दोस्तों आर हैचमैन, एक अच्छे दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, हमेशा दोस्तों आपको पावर प्ले में स्विंग करते हुए दिख जाएंगे। इस टूर्नामेंट में अभी तक 6 मैच खेले जिसमें आपको 3 विकेट प्रोवाइड किए और 6 मैच में 9 ओवर बॉलिंग की है। वहीं दोस्तों हम लोग बात करें एंसवर्थ का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, तो इस टूर्नामेंट में 3 मैच खेले जिसमें आपको 203 विकेट प्रोवाइड भी किए और 203 मैच में 6 ओवर बॉलिंग भी किए। डेट मीन्स ये 3 में देखो तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इन्हीं का रहा है, तो ये 3 प्लेयर का दोस्तों ध्यान रखेगा, ठीक ना। और ऐसे भी कोई खेलता है तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड कैप्टन भी सी ऑप्शन, तो दोस्तों कैप्टन तो मेरे लैटिन रहेंगे। वाइस कैप्टन दोस्तों यदि आप सेफ जाना चाहते हो तो के निक्टर के साथ जाइएगा, यदि आप दोस्तों थोड़ा सा रिक्स ले सकते हो तो ई पटेल और दोस्तों डी बार्ली एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जा सकते हो, यदि आप स्मॉल लीग खेल रहे हो तो के निक्टर, यदि आप मिनी जीएल खेल रहे हो तो आप डी बार्ली, और यदि आप दोस्तों ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो ई पटेल, इस तरह से आप रोटेट कर सकते हो। अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप सभी दो सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले ले और दोस्तों कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टस के बाद दोस्तों यदि इस कॉम्बिनेशन में कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो आपको दोस्तों मैं फाइनल कॉम्बिनेशन फिर से अपडेट करके अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी दोस्त टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कॉमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कॉमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा। जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजिएगा, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको इजीली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना। फिर मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।